हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 8th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 6.1 सीबीएसई बोर्ड से क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है कि हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 12 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर करने पे, ठीक है, 12 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर करने पे दोनों के बीच का जो नंबर है वो कितना होगा। ठीक है, दोनों के बीच का नंबर कितना होगा जब हम दोनों का स्क्वायर करते हैं तब। यानी कि एक सिंपल तरीका ये है कि अगर आप ऐसा करें, आप 12 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, 12 का स्क्वायर करिए, फिर उसके बाद 13 का स्क्वायर करिए, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन हमें ये करना नहीं है, मैं आपको बता दूं कि हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 144 आएगा, एंड कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में देख लीजिए कितने नंबर आते हैं, दोनों के बीच में जो नंबर आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना, ठीक है, हमें एक फॉर्मूले से करना है, ठीक है, तभी हमारा करेक्ट आंसर आ पाएगा। ठीक, इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन हमें जो करना है वो तरीके से करना, अलग तरीके से, ठीक है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, देखते हैं। इसमें फॉर्मूला लगेगा कि n एंड n प्लस का 1, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो हमें ये वाला फॉर्मूला सेट करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब यहाँ पे क्या रहेगा, सीरीज वाइज नंबर रहेगा। जैसे 12 है तो 13 यहाँ पे है, अगर 14 है तो यहाँ पे 15 होना चाहिए, अगर यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 17 होना चाहिए, ठीक है। तब जाके हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ये n n n प्लस 1 इक्वल टू 2n वाला, ठीक है। तब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे की जो n की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 12 रहेगी, ठीक है, n हम 12 लिखेंगे। फिर उसके बाद दूसरी कौन सी है, n प्लस का 1 है, ठीक है, n प्लस का 1 है, तो n कितनी हो जाएगी, 12 प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, ठीक है, 13 हो जाएगा, 12 ये रहा, 13 ये रहा। अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, अब हम जो इस्तेमाल करेंगे 2n वाला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, 2n, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे क्योंकि कोई निशान नहीं है, 2 और n के बीच में तो मल्टीप्लाई का निशान आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, n, n की वैल्यू कितनी हमने रखी है, यहाँ पे 12 रखी है, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, 12 2 से कितना हो जाएगा, 24 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर कितना आएगा, ये 24 हो गया। ये हमारे पास वो नंबर आएगा जो हमने 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर करने पे निकाला है, ठीक है। तो अब इस तरीके से इस वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि आप देखेंगे इसमें 25 है और इसके बाद 26 है, एक सीरीज में नंबर दिया गया है, तो हम फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, ठीक है, n एंड n प्लस का 1, ठीक है, 2n, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाया जाएगा, ठीक है। अब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारी n कितनी होगी, 25, ठीक है, n हमारी 25 होगी, उसके बाद n प्लस का 1, ठीक है, ये वाला n कितनी है, 25 प्लस का 1 कितना आ जाएगा, ये 26 हो जाएगा। यानी कि आप देखेंगे इसमें 25 और 26 आ गया। अब हमें कौन सा फॉर्मूला लगा देना है, दोनों के बीच में अगर नंबर आपको फाइंड करना है, दोनों स्क्वायर के बीच में नंबर फाइंड करना है, उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, 2n, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई का निशान, n का n लिखेंगे, ठीक है, n की वैल्यू कितनी हमने ली है, 25 लिखिए, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, 50 आ जाएगा, ओके। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन हमने इसको सॉल्व कराया, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, थर्ड में जिसमें कौन सा नंबर है, 99 है, एन कितना, 100 है। तो ये भी उसी तरीके से ही होगा जैसे हमने जो दो क्वेश्चन करे हैं, तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा। क्या लिखेंगे हम उसके लिए फॉर्मूला, ठीक है, एन, एन कितना होगा, एन प्लस का 1, ठीक है, 2n, तो एन कितना होगा हमारे पास, ठीक है, एन होगा 99, एन प्लस का 1, 99 प्लस का 1 कितना होगा, ये 100 होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें 99 ये रहा और 100 हमारे पास आ गया है, इसके लिए हम आप निकाल सकते हैं दोनों स्क्वायर के बीच में जो नंबर है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, 2n लिखेंगे, ठीक है, 2n, 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करने से n कितनी है, 99, ठीक है, n कितनी है, 99, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 29 है, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो नंबर आएगा स्क्वायर करने पे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करने पे दोनों के बीच में जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 199 आएगा, इतने बार वो नंबर आएगा, ठीक है, ओके। नमस्ते दोस्तों।